इस्लाम में आस्था अल्लाह में विश्वास पर टिकी है, जो एकमात्र सच्चा ईश्वर है। वह एकमात्र रचयिता है जो रूप और शारीरिक अवतार से परे हैं। अल्लाह सनातन है, समय से पहले और उसके खत्म होने के बाद भी मौजूद है। वह ब्रह्मांड के हर परमाणु और विचार से अच्छी तरह वाकिफ है। मुसलमान कुरान द्वारा निर्देशित कला में अल्लाह के किसी भी रिप्रेजेंटेशन को अस्वीकार करते हैं। उसे चित्रित करना इन्फिनिटेट को सीमित करेगा। शहादा, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं और मोहम्मद उसके रसूल हैं, इस विश्वास को समाहित करता है। यह अल्लाह की पूर्ण एकता का स्मरण कराता है। अल्लाह को उनके दिव्य गुणों से जाना जाता है, जिन्हें अल्लाह के 99 नामों के रूप में जाना जाता है। ये नाम कुरान और हदीस से उनके नेचर की झलक पेश करते हैं। इनमें दया, करुणा, न्याय, ज्ञान और शक्ति के गुण शामिल हैं। अर रहमान सबसे मर्सिलू और अर रहीम सबसे मर्सिलू अल्लाह के असीम प्रेम को उजागर करते हैं। अल अदल जस्टिस प्रिय उनके पूर्ण और निष्पक्ष न्याय का प्रतीक है। हर कार्य का हिसाब है, जो जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देता है। अल अलीम सर्वज्ञ और अल हकीम नॉलेजी उनके असीम ज्ञान और बुद्धि पर जोर देते हैं। वह सभी चीजों से वाकिफ हैं, अपने डीडों और ब्रह्मांड के डिजाइन का मार्गदर्शन करते हैं। ये गुण मुस्लिमों को धार्मिकता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अल्लाह पर विश्वास एक मुसलमान के जीवन का आधार होता है। यह उनके विश्व दृष्टि, मूल्यों और डीडों को आकार देता है। कुरान कहता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का उद्देश्य अल्लाह की इबादत करना है। यह पूजा अनुष्ठानों से परे जीवन के हर पहलू तक फैली हुई है। अल्लाह पर विश्वास चुनौतियों के दौरान सांत्वना और शक्ति प्रदान करता है। यह कृतज्ञता और संतोष को बढ़ावा देता है। उसे सभी आशीर्वादों के स्रोत के रूप में पहचानता है। यह कृतज्ञता आंतरिक शांति और शांति पैदा करती है। कुरान अल्लाह के गुणों और मानवता के साथ उनके संबंधों का वर्णन करने वाले छंदों से भरा है। एक पद में कहा गया है, वह अल्लाह है सृष्टिकर्ता, आविष्कारक, फैशनर, उसी के हैं सबसे अच्छे नाम। आकाशों और धरती में जो कुछ है उसकी तारीफ करता है, क्योंकि वह पराक्रमी विजडममान है। यह पद्य अल्लाह की शक्ति और महिमा पर जोर देता है। एक अन्य पद अल्लाह की दया पर प्रकाश डालता है। कहो, हे मेरे दास जिन्होंने अत्याचार किया है, अल्लाह की दया से निराश मत हो, निश्चय ही अल्लाह सब पापों को क्षमा कर देता है। वह फॉरगिवशील मर्सिलू है। कुरान अल्लाह की निकटता पर भी जोर देता है। हम उसके गले की नस से भी ज्यादा उसके करीब हैं। ये पद अल्लाह के नेचर को उजागर करते हैं और परमात्मा के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देते हैं। मुसलमान उनकी इच्छा के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं। अल्लाह में विश्वास इस्लाम से जुड़ा है, जिसका अर्थ है ईश्वर की इच्छा के प्रति सबमिशन। यह समर्पण अल्लाह के ज्ञान में प्रेम और विश्वास से प्रेरित एक सचेत विकल्प है। अल्लाह पर भरोसा या तवक्कुल में उस पर पूर्ण भरोसा शामिल है। इसका अर्थ है कि यह मानना कि वह कठिनाई में भी प्रदान करेगा और मार्गदर्शन करेगा। कुरान कहता है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो वही उसके लिए काफी है। समर्पण का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने वाले डीडों के साथ तालमेल बिठाना है। सच्ची शांति खुद से बड़ी शक्ति के आगे समर्पण करने से मिलती है। अल्लाह की सर्वव्यापीता में विश्वास एक मुसलमान के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। यह उनकी उपस्थिति के बारे में निरंतर जागरूकता को बढ़ावा देता है, जिससे जवाबदेही होती है। यह जानकर कि अल्लाह हमेशा देख रहा है, धार्मिकता को प्रोत्साहित करता है। यह जागरूकता रचनाकार के प्रति कृतज्ञता और प्रेम पैदा करती है। इसका अर्थ है कि यह पहचानना कि निजी पलों में भी हम परमात्मा के साथ हैं। यह समझ सार्थक जीवन की ओर ले जाती है। मुसलमान अपने मूल्यों के साथ अपने विकल्प बनाते हैं, चुनौतियों का सामना लचीलापन के साथ करते हैं। अल्लाह के गुणों को आत्मसात करके वे जीवन के अर्थ और गोड़ीय इच्छा के प्रति समर्पण की तलाश करते हैं।